यश चोपड़ा के उस ऑफर ने उजाड़ दी राखी गुलजार की जिंदगी। 15 अगस्त 1951 को एक मध्यवर्गीय बांग्ला परिवार में जन्मी राखी को फिल्मों में काफी दिलचस्पी थी। मशहूर बांग्ला अभिनेत्री संध्या राय की सोहबत ने उनकी इस ख्वाहिश को परवान चढ़ाया। राखी की ख्वाहिश को देखते हुए संध्या राय ने उनकी मुलाकात कुछ निर्माताओं से करवाई और इस तरह बांग्ला फिल्मों से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। 1970 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म जीवन मृत्यु से हिंदी फिल्मों में उनका आगमन हुआ। इस फिल्म में एक प्रौढ़ विधवा का किरदार स्वीकार कर राखी ने सबको हैरान कर दिया। उनके परिचितों ने इसे करियर की दृष्टि से राखी का आत्मघाती कदम करार दिया, लेकिन राखी ने किसी की परवाह किए बगैर इस किरदार को बखूबी निभाया। अपनी दूसरी फिल्म रेशमा और शेरा में छोटी सी भूमिका निभाकर उन्होंने अपने चाहने वालों को फिर निराश किया। आलोचनाओं के बावजूद राखी अपने फैसले पर अडिग रही। उनकी समकालीन अभिनेत्रियां जहां हिंदी सिनेमा के परंपरागत लीक पर चलती हुई आगे बढ़ रही थी, वहीं राखी ने अपने लिए जोखिम भरा रास्ता चुना। उन्हें शायद अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रहा होगा, इसलिए हर फिल्म में अपनी इमेज से बाहर जाकर नई नई इबारतें लिखती रही राखी। शर्मिली ने राखी के करियर को नया मोड़ दिया। इस फिल्म में उन्होंने अपनी इमेज के साथ एक नया प्रयोग किया। इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव शेड्स वाली भूमिका निभाई, जिन्हें लोगों ने पसंद भी किया। राखी का करियर आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात गीतकार गुलजार से हुई और 1973 में दोनों ने शादी कर ली। गुलजार साहब चाहते थे कि राखी फिल्मों से दूर ही रहे, लेकिन जिडी राखी अपने मन का करना चाहती थी। इसी बीच यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म कभी कभी में काम करने का ऑफर दिया, जिसे राखी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी यही स्वीकृति उनके पारिवारिक जीवन की तबाही का बायस बन गई। कभी कभी में काम करने का फैसला राखी के जीवन का ऐसा मोड़ था जिसके परिणाम जोखिम भरे हो सकते थे, लेकिन राखी ने इसकी कोई परवाह नहीं की। फिल्म तो सफल रही, लेकिन इसने राखी और गुलजार के बीच नफरत की कील ठोंक दी। राखी इसके बाद भी अपना फिल्मी करियर आगे बढ़ाना चाहती थी और गुलजार को ये बिल्कुल बनवारा नहीं था। नतीजतन परिवार में हर रोज कलह की शुरुआत हो गई और यही कलह उनके अलगाव की वजह बनी। राखी स्वभाव और फितरत से काफी स्वच्छंद थी, उन्हें किसी तरह की बंदिश पसंद नहीं थी, जबकि स्वभाव से कवि और शायर गुलजार साहब की अपनी एक सोच थी। कल्पना की उड़ान उन्हें गीतों में तो पसंद था, लेकिन जिंदगी में नहीं। राखी और गुलजार दो अलग अलग सोच और स्वभाव वाली इस बेमेल जोड़ी का जो हश्र होना था वही हुआ। बहरहाल इस अलगाव के बाद भी राखी का फिल्मी सफर जारी रहा। उम्र के ढलान पर राखी ने फिल्मों में मां का किरदार निभाना शुरू कर दिया और निरूपा राय के बाद सबसे सफल फिल्मी मां का खिताब हासिल किया।